नमस्कार, मैं मौज़म एक बार फिर आपके बीच हूं और आज आपके लिए उन किसानों के लिए मैं एक नई टेक्नोलॉजीज को लेके आया हूं जिसे हम लोग एलसीएस कहते हैं। बेसिकली होता क्या है और कि नेट हाउस का जो है प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन नेट हाउस में जो पोल लगते हैं, जो ना जीआई पाइप लगते हैं, उनकी कॉस्टिंग बहुत हो जाती है। तो बहुत से ऐसे किसान जो इतनी कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है और हमारे बीच में एक कंपनी भी है, किसान एग्रीकेयर के हैं मिस्टर विकास जी, हम लोग बीच में भी हैं। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये इतना जो हाई कॉस्ट का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। बेसिकली आपको सभी किसानों को ये पता है ना कि जो है जो जीआई पाइप आप लगाते हो वो कोई आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन पे कोई प्रभावित नहीं करते ना, या उनका कोई बहुत रोल नहीं होता, बशर्ते जितना ज़्यादा पाइप आप लगाएंगे उतने ही जो आपके स्ट्रक्चर जो है और गर्म होते हैं ना, क्योंकि जो आप सनरेज में देखते हैं कि IR का जो पोर्शन होता है वही इन लोग को गर्म करता है। तो उसकी यहाँ ये कोशिश की जा रही कि भाई ठीक है, कुछ क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कॉस्टिंग और कम हो सके, जिससे एक जो है नॉर्मल किसान भी है नेट हाउस और जो है इस तरह के शेड हाउस में जा सके, क्योंकि ये सबको पता है ना कि शेड हाउस में और नेट हाउस में प्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं ना, हर किसानों को पता है। और जहाँ मैं आज बीच में हूँ, जहाँ जिस गांव में हूँ वो केवड़क गांव है कैथल में, कैथल हरियाणा में, जहाँ के मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, जहाँ पे फार्मर बहुत उत्साहित हैं और जो लोग अच्छा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं उन लोग खीरे की खेती से और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम वही है, जब किसानों से बात करो तो वही रहता है कि जो है भाई ठीक है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमको हमारा शेयर देना पड़ता है। तो फिर ये धीरे धीरे कंसेप्ट जो एक चल रहा है कि कैसे जो है इसमें कॉस्टिंग और कम की जाए। तो जो ढांचा आप मेरे पास देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे लोहे के पाइप खड़े हैं, लेकिन टॉप पे जो है लोहे का आपका पर्लिन नहीं लगा हुआ है, मतलब वहाँ पर वायर का यूज़ किया है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट की रिडक्शन हो जाती है। बाकी आपने V5 नेट ऊपर लगा रखा है, साइड में इंसेक्ट नेट लगा रखा है, सेम वही है। इससे क्या होता है, इस जो है इस वाले अरेंजमेंट से होता है कि आपका ढांचा स्ट्रक्चर जो है जो नेट हाउस है बहुत ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेट हाउस। हाँ, उसके मैंने दो ही आपको रीज़न बताया कि एक तो पाइप कम हो गया जो ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, दूसरा ये है कि इसमें वेंटिलेशन आपको परफेक्ट होता है। तो जो हमारे बीच एक कंपनी है किसान एग्री केयर्स के जो मालिक हैं मिस्टर विकास शर्मा जी, वो हमारे बीच में हैं, तो उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी कॉस्ट हमारी कम आ जाती है इसमें, और इससे इसके जो है इसकी पूरी स्ट्रेंथ में इसकी जो हम लगा रहे हैं, क्या हमारे नॉर्मल नेट हाउस से जो पूरा फुली पाइप पे बनता है उससे कुछ कम हो जाती है स्ट्रेंथ, या उसके बराबर ही है, या इसमें कहीं प्रोडक्शन कम आता है या उसके बराबर ही आता है। अगर ये जो है वाकई उसकी तुलना में अगर देखें कि हर चीज़ हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है और हमारी कॉस्ट सिर्फ कम हो जा रही है, तो ये मेरे ख्याल में उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जो सब्सिडी से परेशान हो चुके हैं, जो लोड डिपार्टमेंट उनकी फाइलें लगी लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि सरकार की अपनी भी मजबूरियाँ हैं ना, उनके पास भी इतना फंड नहीं होता हर फार्मर को कर सके। तो ये अच्छा जो है विकल्प है और मेरे ख्याल में जो है किसान भाई इसको समझें, और हम लोग पहले समझने चाहते हैं जो है विकास भाई से समझते हैं कि क्या इसमें जो है कैसे जो है ये पूरी कॉस्ट कितनी इसकी आ जाती है, क्या क्या इसमें अरेंजमेंट आप चेंज करते हैं नॉर्मल नेट हाउस से। तो विकास भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार जो है, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप थोड़ा सा इसमें बारे में बताइए कि जो ये जो वायर रोप का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसकी कितनी लागत आती है, इसमें क्या क्या चेंज करते हैं जो नॉर्मल आपका जो है शेड हाउस होता है। मोजम भाई, इसमें और जो इसको हम क्या बोलते हैं हरियाणा में, इसमें केवल पर्लिन नेट हाउस बोलते हैं हरियाणा के अंदर, और जो दूसरे वाला नेट हाउस होता है उसको टॉप फ्लैट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर वही है, ऐसे ही ऊपर V5 लगा हुआ है, साइड में इंसेक्ट नेट लगा हुआ है, स्ट्रेंथ सेम है, चलता सेम है, क्रॉप में कोई फर्क नहीं है, क्रॉप सेम है इसमें। और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो ऊपर की जो पर्लिन होती है, जो पाइप होता है दूसरे टॉप फ्लैट में, इसके अंदर वायर डली हुई है जिसमें हम कॉस्ट को कम किया हुआ है। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन होता है वो 4x6 का होता है, इसमें 6x8 का है। तो इसमें क्या 6x8 का होता है, उसमें जो फार्मर की कॉस्ट कटिंग हो जाती है, नंबर ऑफ पाइप होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब बात कहें कि अगर हम यहाँ पे क्या हरियाणा में क्या है, अभी बहुत सारे फार्मर हैं, नंबर ऑफ फाइल डिपार्टमेंट में बहुत जाता है, इतने टारगेट नहीं आते डिपार्टमेंट के पास, हम भी फैब्रिकेटर हैं, हमारे पास नंबर ऑफ फाइल इतनी होती है कि बहुत सारे फार्मर ना वेट करते हैं 2 साल से 3 साल से। और अब तो जो सब्सिडी है वो 50% कर दी है, जो प्लांटेशन थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो जो पैसे लगते थे फार्मर के वो पैसे भी
11-12 लाख के आसपास चले गए, और दूसरा क्या हुआ, ये जो नंबर ऑफ फाइल है वो भी ज़्यादा है, इतना बजट नहीं है। अब बहुत सारे फार्मर हैं जो मतलब इसकी तरफ नेट हाउस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास या तो वो वेटिंग में है या इतने पैसे नहीं हैं। अगर 8 से 10 लाख रुपए आप इसके अंदर लगाते हो, ठीक है, 8 से 10, इसमें कोई उसमें मतलब इतना चेंजेस नहीं है, इसमें सेम है, प्रोडक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये क्या है, ये वायर के ऊपर है कोस्ट कटिंग करने के लिए, और वो पाइप के ऊपर है, नहीं दोनों नेट हाउस सेम है, दोनों ही झेलते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। और इस नेट हाउस में क्या है कि इसमें पाइप की कम यूज होता है, तो आपकी हीटिंग भी नहीं बनती, जो आपके मतलब पाइप हीट करते हैं गर्मी से वो भी नहीं बनता, क्योंकि पाइप कम यूज होते हैं। वेंटिलेशन वीफाई लगाने के बाद वेंटिलेशन प्रॉपर है, इसके अंदर भी, उसके अंदर भी प्रॉपर है, जो टॉप फ्लैट के अंदर भी प्रॉपर है। अब यहाँ पे क्या है, हम फार्मर की हेल्प आउट कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर हैं वो आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि चलो इधर उधर से अरेंज भी कर लेते हैं जीआई पाइप, जो बाकी का मटेरियल है उनको हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। अगर उनके पाइप उनके पास आ जाते हैं, हम लेबर भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जो हमारे पास लेबर है उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, जो लो कॉस्ट में 6 से 7 लाख में वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। अगर हमारे पास डायरेक्ट फार्मर आता है, हर चीज़ उसको नई चाहिए, तो उसको हर चीज़, तो नेट तो पूरा का पूरा नया होता है, हर चीज़ नई है, बस क्या कि पाइप का कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे फार्मर है पुराने पाइप खरीद लेते हैं, पुराने पाइप से स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद जो स्ट्रेंथ होती है नेट की, इंसेक्ट नेट की, शेड नेट की, सेम ड्रिप इरिग्रेशन सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ जीआई पाइप है। जीआई पाइप आप पुराने खरीद सकते हो, अगर पुराने नहीं है आपके पास तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे विद लेबर। ओके, तो विकास जी मतलब जो है ये समझ गया कि जो कॉलम आपके पाइप हैं वो जैसे जीआई पाइप रहते हैं, अब नया पुराना ले वो तो कोई फार्मर को डिपेंड करता है कि कितनी लाइफ लेनी है, लेकिन जो आपका पर्लिन वाले जो पाइप रहते हैं वहां पर वायर दे देते हैं आप, जो है जीआई रोप आ जाता है 6 से 8 mm जो आपने बताया था, और उसका जो है प्रॉपर पूरा साइड में टेंशन जो है इक्वल रहता है दोनों पोर्शन, ताकि जो है ढांचा कहीं हिले ना। और जो ये V5 जो नेट टॉप पे लगा रखा उसको पिन से जो है आप उसको स्टिचिंग कर देते हैं, सील देते हैं ना, तो इसमें जो है आपका जो है कितने परसेंट जो है इसका जो है जीआई का जो है परसेंटेज कम हो जाता है लोहे का, करीब 25%? 25% नहीं, इसमें ये लगा लो मोजन भाई, ये लगभग 9 टन के आसपास लगता है। जब हम इसके ऊपर आते हैं तो ये सिर्फ 1.5 टन लगता है, यानी कि 1.5 टन। बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत ज्यादा इसमें जो फर्क आ जा रहा है ना। हाँ, तो 1.5 टन के आसपास लगेगा। दूसरा ये है कि इसमें और टॉप फ्लैट में ये है, जब टॉप फ्लैट आता है पर्लिन जो पाइप का लगता है ना, उसमें जब भी तूफान आता है या कुछ भी है, जो पाइप पे मतलब प्रेशर आता है ना, वो पाइप बैंड हो जाता है, वो वहीं पे बैंड होता है, बैंड होने के बाद वहाँ से फिर थोड़ा बैंड थोड़ा वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, तब भी इसमें प्रेशर आता है, ये वायर अपनी जगह से जाता है, और जैसे ही हवा रुकती है वापिस अपनी जगह पे आ जाती है। इसमें कोई टूटने का डैमेज का इतना फर्क नहीं होता जितना टॉप फ्लैट में होता, जो पर्लिन वाला होता है, पाइप वाला होता है, उसमें अगर एक बार बैंड हो गया तो बैंड हो गया, लेकिन इसके अंदर अपनी जगह से जाएगा और वापिस तूफान कम होने के बाद अपनी जगह पे वापिस आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, तो मैं समझ गया कि एक तो इनिशियल कॉस्ट इसमें बहुत कम हो जाती है जो आप पेलसेस बनाते हैं, दूसरा रिपेयरिंग कॉस्ट जो आती है ना, जनरली जो हरियाणा का जो आसपास जो ये ट्रैक है ना, आंधी तूफान इसमें बहुत ज़बरदस्त आते हैं, तो जो अक्सर लोग शिकायत होती है कि जीआई पाइप हमारा जो साइड वाले वो बेंड हो गए, तो उसमें ये सब इश्यूज़ नहीं, यानी रिपेयरिंग आपका बहुत कम होता है। तो मेरे सभी किसान भाइयों से यही अपील है कि एक बार इसको समझिए, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा विकास भाई का, और हम लोग भी कंपनी के भी रिप्रेजेंटेटिव का नंबर आपके पास रहेगा, तो एक बार आप समझिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और चीज़ आपको जानकारी चाहिए, तो अभी सभी का जो है वेलकम है, आप लोग जो है मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे जो घरवारे के स्टाफ हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास भाई, और हो सकता है जो है आप अपना और अनुभव शेयर कीजिएगा, कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि V5 के साथ LCS में जो है हम लोग बहुत साल से महाराष्ट्र हम लोग कर भी रहे ना इसको, तो कहीं पर भी क्रॉप का जो है कहीं प्रोडक्शन में कमी नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अगर क्योंकि हम लोगों ने पहले बताया कि जो आप भी मटेरियल लगाते हैं, क्लैडिंग मटेरियल लगाते हैं, जो टॉप पे नेट लगा रहे हैं या साइड में, वो आप पे असर डालता है कि आपकी फसल कैसी होनी है। तो इसी वीडियो के साथ आप लोग जो है अपना संपर्क बनाए रहिए, और हम लोग इसमें भी ट्रायल लेंगे, डेटा यहाँ भी कलेक्ट करेंगे कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बहुत सिंपलेस स्ट्रक्चर है, आप अखिलेश आप इसको दिखा भी सकते हैं ना, इसका पूरा जो है इसमें किसी भी तरह से ये नहीं लगता कि ये नेट हाउस नहीं है, कुछ जो है बहुत साइड अरेंजमेंट है ना। अब ये कॉलम इधर हॉकी के उसमें दिखा दीजिए,
बैक साइड में उसको ले लीजिए, हाकी कर दीजिए जहाँ पर ये सब है। तो ये समझना ज़रूरी कि आखिर एक किसान जो है वो नेट हाउस क्यों लगाता है ना, या शेड हाउस क्यों लगाता है। वो अपनी उपज बढ़ाने के लिए, उस उपज को बढ़ाने में जो बेसिकली क्या है, जब एक एक फसल जो लगती है तो उसके ऊपर कौन सा आपने क्लैडिंग मटेरियल लगा रखा, कितना अच्छी क्वालिटी लगा रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्शन कितना आएगा। या साइड में आपने कौन सा इंसेक्ट नेट लगा रखा जिससे आपका जो है कीड़ों का जो है इंसेक्ट्स का अटैक कम हो। तो ये जो इसमें पाइप और जो है जो जितने भी ढांचा है वो ढांचा गवर्न नहीं करता ना। जैसे आप मकान जब बना लेते हो तो उसके अंदर जो है आपने कितने टन का एसी लगाया उसके अकॉर्डिंग से वो कितना ठंडा करेगा, वो एसी डिफाइन करता है। वैसे यहाँ पर भी है, जब किसी फसल को आप ग्रो करते हैं तो ये जितने भी आपके जीआई पाइप लगे हुए हैं, टॉप पे लगे हैं, साइड में लगे हुए हैं, ये गवर्न नहीं करते। गवर्न करते हैं जो अच्छी क्वालिटी का नेट आपने यूज़ किया है जो उस फसल के लिए चाहिए। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है खीरे की खेती करते हैं, शिमला मिर्च करते हैं, टमाटर करते हैं, या कोई भी आप लीफी वेजिटेबल करते हैं, तो हर चीज़ को जो है वो गवर्न वही करता है कि ऊपर आपने टॉप पे, आप इधर जैसे देख रहे हैं कि टॉप पे किस तरह का नेट लगा रखा है। और हमने अपने पुराने वीडियोज़ में आपको शेयर किया है कि अभी गरवारे ने जो अपना एक V5 जो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का जो नेट दिया है, वो कैसे जो है आपके दिन और रात के टेम्परेचर के अंतर को कम कर रहा है, कैसे जो है 16% का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, वो अपने मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पर जो ढांचे में जितना आप कम कर सकते हैं उसमें कटौती कीजिए, लेकिन जो क्लैडिंग मटेरियल लगाना है उस क्लैडिंग मटेरियल में जो है वो कटौती नहीं है। क्यों विकास भाई, हम लोग का जो है ये कि जो क्योंकि फसल को जो पूरा गवर्न करेगा वो जो क्लैडिंग मटेरियल ही करेगा, उसमें पाइप का कोई रोल नहीं है। पाइप सिर्फ गर्मी बढ़ाते हैं, तो जितना इसलिए ये अरेंजमेंट जो है अच्छा माना जा रहा है। इसीलिए जो है इन स्ट्रक्चर में जहाँ हम लोग भी खड़े हैं तो अच्छा फील हो रहा है कि जो है हालांकि आज गर्मी भी कम होगी लेकिन जो है एरेशन परफेक्ट हो रहा है। तो हमेशा जो अच्छी क्वालिटी का नेट यूज़ कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके नई नई टेक्नोलॉजी के साथ डिस्कशन करने के बाद आप देखिए कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग जो है पाइप वूप में कर सकते हैं। पर कभी भी भूल से भी गलती मत कीजिए कि हम क्लैडिंग मटेरियल में कहीं पर ऐसी कटौती करें, वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, धन्यवाद सर।